में कितने पैसे कमा लेते हैं इससे? इससे दिन भर में कितना, दो ढाई सौ रुपये बस। 10:30 बजे तो पुलिस वाले ही हटा देते हैं। मतलब पुलिस वाले भी हटा देते हैं? हटाएंगे क्या करेंगे। कई बार होता है ऐसा तो। अच्छा, ऐसा तो कई बार होता है कि मतलब खाना खाने का टाइम ही नहीं मिलता। अगर सही से काम ना मिला तो 1200-1500 इसी में काम चलाना पड़ता है। इसी में काम चलो। इतना सा बेचारे आलू गोभी बनवा के लाए हैं तो ऐसे ये गुजारा तो करना ही पड़ता है, क्या करें। अच्छा, बाकी कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं है ओला उबर में। अच्छा, 12-14 घंटे काम करने पड़ते हैं, उसके बाद में कभी 2000 का काम, कभी 1500-1600 का काम, उसी में गुजारा करना पड़ता है। बंदा अयोध्या से इधर नौकरी करने के लिए आया और भाई साइकिल से नौकरी कर रहे हैं ये देखो भाई, और बेचारा देखो 500-600 रुपए पूरे दिन के। मजबूरी है तभी तो कर रहे हैं। अच्छा, मजबूरी है तभी कर रहे हैं, तभी तो कर रहे हैं। तरह से इन्होंने बेचारों ने दुकान लगा रखी है और देखिए सामने बैठे हुए अंकल, और जस्ट अंकल जी जो है ना कश्मीर के रहने वाले हैं, और भाई यहाँ पर इस तरह से गुजारा करने देखो ये देखिए। तो क्या भैया आपकी फैमिली वगैरह चल जाती है? चलानी पड़ती है मजबूरी भाई, देखो मजबूरी। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, फाइनली आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुछ, जैसे कि आपको बता दूं अभी फिलहाल मैं दिल्ली में घूम रहा हूँ, तो मैं आज के व्लॉग में आपको दिखाने वाला हूँ दिल्ली की जो सड़कों पर भाई जैसे ठेले वगैरह लगाते हैं, आइसक्रीम वगैरह लोग बेचते हैं, अपने छोटे छोटे होटल वगैरह खोल कर चलाते हैं, जैसे छोले भटूरे हो गए, ये कुछ इस तरीके के जो काम करते हैं वही उनकी रियल लाइफ आज के व्लॉग में आपको दिखाने वाला हूँ। पूरा अच्छे से टूर कराने वाला हूँ, उनकी ज़िंदगी के बारे में बताने वाला हूँ कि वो अपने घर वालों को कैसे चलाते हैं, किस तरह से अपनी ज़िंदगी का पूरा गुजारा करते, किस तरह अपने परिवारों को चलाते हैं। जैसे कि आपको बता दूं यहाँ पर जो है ना दिल्ली के अंदर सड़कों पे इस तरह के लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करके स्ट्रगल करके हैं और अपने परिवार को चलाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का ब्लॉग कैसा बन पाता। आज के लोगों में आपको सारा यही टूर कराने वाला हूं, दिल्ली के अंदर घूमने वाला हूं और सब कुछ अच्छी तरह से दिखाने वाला हूं। तो चलिए करते हैं ब्लॉग को शुरू, कंटिन्यू आप लोग ब्लॉग में बने रहना, देखते हैं आज का ब्लॉग कैसा बन पाता है। तो चलिए निकलते हैं। और जैसे गाइस अभी आप देख पा रहे हैं मैं अभी जस्ट इधर ही उतरा हूं ऑटो से, ठीक है। तो अभी आप देख पा रहे हो यहां पर होटल वगैरह लगे हुए हैं, और जैसे देख पा रहे हैं यहां पर अंकल भी अपनी एक आइसक्रीम का ठेला लेके खड़े हुए हैं। तो चलिए चलते हैं अंकल के पास और अंकल से थोड़ा बात करके देखते हैं किस तरह गुजारा वगैरह चलता है। चलिए चलते हैं, चलो अंकल के पास चलते हैं और अंकल से जो है ना थोड़ी मालूमात करते हैं, बातें करते हैं। हेलो अंकल, क्या नाम है आपका? दुलारचंद। अच्छा अच्छा, कहाँ से हैं आप? बिहार। अच्छा अच्छा, तो अंकल जी जैसे कि मैं आपको देख रहा हूँ, आप यहाँ पर गर्मी वगैरह तो दिल्ली के अंदर बहुत ही होती है, आपको पता ही है, और आप यहाँ पर ये आइसक्रीम का ठेला लगा के खड़े हैं, तो क्या आप दिन भर में कितने पैसे कमा लेते हैं इससे? इससे दिन भर में कितना, 2-250 रुपये 2-250 रुपये बस, इतना ही कमा पाते हैं। तो क्या दिल्ली में आपकी फैमिली वगैरह भी रहती है साथ में? नहीं, सिंगल। सिंगल रहते हो, फैमिली वगैरह सब घर पर रहती है। तो अंकल जी ये 200-250 रुपये आप दिन में कमाते हैं, तो क्या महीने में आप जोड़ जाड़ के फिर घर को भी फैमिली को भी भेजने पड़ते होंगे, तो गुजारा वगैरह हो जाता है आपका? अब जैसे हुआ है वो तो वैसे करना पड़ेगा। अच्छा, तो भाई जैसे कि आप देख पा रहे हैं भाई अंकल जी 200-250 रुपये दिन में कमाते हैं। तो अंकल जी ये ठेला आपका है या फिर कंपनी वगैरह आपको देती है? कंपनी का है। तो आप क्या बजे तक यहाँ पर ठेला लगाते हैं? 12-1 बजे आते हैं। अच्छा, 10:30 बजे तो पुलिस वाले ही हटा देते हैं। अच्छा, पुलिस वाले भी हटा देते हैं? हटाएंगे तो क्या करेंगे, ऐसा क्यों? टाइम ही यही है 10 बजे। अच्छा, रात में 10 बजे। अच्छा अच्छा, तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं भाई, तो गाइस जैसे कि देख पा रहे हैं अंकल जी कहाँ के रहने वाले वैसे आप? बिहार से रहने वाले हैं। अच्छा अच्छा, तो गाइस देख लो भाई अंकल जी जो बिहार से रहने वाले हैं, और भाई अपनी देखो परिवार को चलाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तभी अंकल यहाँ पर आइसक्रीम वगैरह बेच रहे हैं। चलिए अंकल जी, काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके। और जैसे गाइस आप देख सकते हैं भाई, ये होती है भाई देखो ज़िंदगी, रियल लाइफ देखो दिल्ली की, ठीक है। चलो अभी गाइस देखा, अभी मैंने अंकल जी से बात करी और मुझे बात कर कर पता लगा कि भाई ये रियल लाइफ होती है देखो दिल्ली की। और जैसे गाइस आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर भी मतलब एक खोखा सा लगा रखा है देखिए इस बंदे ने, और यहाँ पर चाय वगैरह और पकौड़े वगैरह करके बेचारा कर रहा है, देख सकते हैं आप, ये फुटपाथ है, ठीक है। और देखो बस किस तरह यहाँ पर गुजारा कर, देखो, और पूरी खाली जगह पड़ी है ये देख सकते हैं, फिर भी भाई अपने परिवार को चलाने के लिए करना पड़ता है। ये देखिए यहाँ का रोड कुछ इस तरीके का, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये पूरा जो है ना मार्केटिंग एरिया है, यहाँ पर कंपनी वगैरह है, ये देखिए। और बेचारा यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अंकल जी ओला गाड़ी चलाते हैं, और अभी जो है ना लंच का टाइम हो रहा है, जस्ट मैं अभी पीछे से आ रहा था उधर से, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं भाई अंकल वगैरह खाना खा रहे हैं और अंकल जो है ना ओला वगैरह चलाते हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? सुरेश यादव। सुरेश यादव, अच्छा अच्छा अच्छा। अंकल जी ये बताइए आप ओला कितने टाइम से चला रहे हैं? हो गया तकरीबन 4-5 साल हो गया। 5 साल हो गया। अच्छा अंकल जी, जैसे कि मैं आपको देख रहा हूँ मतलब ओला वगैरह चला रहे हैं,
और खाना भी आप अपनी गाड़ी में बैठकर खा रहे हैं, तो क्या होता है मतलब टाइम वगैरह नहीं मिलता या किस तरह से? टाइम इसमें कोई नहीं होता, अगर कस्टमर रहता है जब तक खाने का कोई राइट नहीं बनता है, जब कस्टमर छोड़ देते हैं फ्री हो जाते हैं अच्छा तब खाने बैठते हैं। अच्छा अच्छा, और कस्टमर के टाइम पे खाने का टाइम नहीं मिल पाता है, नहीं मिल पाता रहता है। अच्छा, कभी ऐसा भी दिन जाता है कि किसी दिन खाना भी नहीं खाते? कई बार होता है ऐसा तो। अच्छा, ऐसा तो कई बार होता है कि मतलब खाना खाने का टाइम ही नहीं मिलता है। अच्छा, कितने घंटे आप गाड़ी चलाते हैं? देखो 12 से 14 घंटे तो गाड़ी चलाता ही हूँ। 12 से 14 घंटे? अच्छा, जैसे कि आप बता रहे 12 से 14 घंटे में गाड़ी चलाता हूँ, तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता होगा 12 से 14 घंटे तो। करना तो पड़ेगा, क्या करें, क्योंकि ओला उबर में तो बगैर किए तो। और दूसरी तरफ परिवार को भी देखना पड़ता है। वो तो है। अच्छा, कितना कमा लेते वैसे आप एक दिन में अपनी ओला? देखो ओला में अगर राइड सही से मिल गई तो 2000 भी हो जाएगा, अगर सही से काम ना मिला तो 1200-1500, इसी में काम चलाना पड़ता है। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं भाई, ये होती है रियल लाइफ ओला चलाने वालों की। ये नहीं है कि ओला चलाने वाले इतने मालदार होते, इतना पैसा कमाते, ऐसा कुछ नहीं है। आप देख लो, अंकल आपके सामने, अंकल ने आपको बताया है, तो कुछ इस तरह से ही आपको भाई करना पड़ता है गुजारा। ये देख रहे हैं, और इस तरह से भाई देख सकते हैं मतलब खाना वगैरह भी अंकल यहीं रख के खा रहे हैं। देखो इतना सा बेचारे आलू गोभी बनवा के लाए हैं। तो क्या अंकल जी आपकी फैमिली वगैरह सब यहीं रहती है? नहीं, फैमिली तो गाँव में। कहाँ के रहने वाले आप? मैं यूपी का हूँ। यूपी कौन सी जगह? यूपी रायबरेली। अच्छा, रायबरेली। तो भाई जैसे कि आप देख सकते हैं अंकल जी यूपी रायबरेली के रहने वाले हैं, और भाई ये कुछ रियल लाइफ है। देखो यहाँ पर खाना वगैरह रखा हुआ है, रोटी तो अंकल ने खत्म कर दी है, बाकी सब्जी बची है, अंकल सब्जी भी खाएंगे, क्या बोलते हो अंकल, है ना? चलिए अंकल जी, काफी अच्छा लगा, आपने थोड़ी अपनी रियल लाइफ बताई। और भाई परिवार का गुजारा करने के लिए क्या गुजारा वगैरह हो जाता है, क्या करना पड़ता है? ऐसे ये गुजारा तो करना ही पड़ता है, क्या करें। अच्छा, बाकी कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं है ओला उबर में। अच्छा, 12-14 घंटे काम करने पड़ते हैं, उसके बाद में कभी 2000 का काम, कभी 1500-1600 का काम, उसी में गुजारा करना पड़ता है। गाड़ी की EMI भी जाती है, उसी में गुजारा करना पड़ता है। अच्छा अच्छा, तो क्या आप महीने में कितना बचा लेते हैं अगर EMI वगैरह आप अपनी गाड़ी की भर के? कोई ठीक नहीं है, 10,000 भी बच गए, 5,000 भी बच गए। अच्छा हाँ, EMI भर करके सब कुछ। तो ये तो बहुत ज्यादा कम है, 10-5 हजार तो। और क्या, आप क्या समझते हो कहीं हम 50,000 या 1,00,000 रुपए महीने कमाते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा, रियल में, क्योंकि इसकी EMI भी है, इसकी जो है मेंटेनेंस भी है, और अपने भी खर्चे हैं, 5,000 बच जाए यही बहुत है। रेंट वगैरह पर रहते होंगे? हाँ, रेंट भी है हमारा। अच्छा अच्छा, और क्या। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अंकल ने बताया कुछ ऐसा नहीं है 1-2 लाख कमाए, अपना पेट चलाना पड़ता है, बस परिवार चल रहा है अपना, और गाड़ी वगैरह भी है, देखो EMI वगैरह बननी पड़ती भाई, सारा काम करना पड़ता। तो देख लो भाई, ये होती है रियल लाइफ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं भाई, ऐसा कुछ गुजारा न करना पड़ता। ये देखिए बेचारा जोमेटो वाला है, और देख सकते भाई साइकिल से अपनी राइड करते, साइकिल से अपना पेट वगैरह भर रहे हैं। हेलो भैया, क्या नाम है आपका? रामजीत। अच्छा अच्छा, तो भाई जैसे कि आप देख पा रहे हैं, भैया जी देखिए इतनी मेहनत कर रहे हैं ना। देखो भाई, दिल्ली के अंदर आपको इतनी गर्मी मिलेगी बहुत ज़्यादा, और देखिए यहाँ पर भाई साइकिल से इतनी मेहनत करके अपनी जोमेटो की नौकरी कर रहे हैं, ये देख सकते हैं। और फ़ोन वगैरह भी है, और अभी प्यास लग गई तो पानी पी रहे हैं। कहाँ के भैया आप रहने वाले? अयोध्या। अच्छा अच्छा भाई, बहुत दूर के रहने वाले हैं, मतलब अयोध्या से इधर आके बेचारे नौकरी कर रहे हैं भाई। देखो जोमेटो की, इसको बोलते हैं गाइस देखो मेहनत, ये देख रहे हैं आप। अच्छा भैया, ये बताइए आप जोमेटो में रह के दिन भर के कितने रुपए कमा लेते हैं? 500-600 रुपए पूरे दिन के? 8 घंटे। अच्छा, 8 घंटे के 500-600 रुपए कमा लेते हैं। तो भाई जैसे कि आप देख पा रहे हो भाई, 8 घंटे के 600-500 रुपए कमा लेते हैं। तो क्या भैया आप यहाँ पर रेंट पे रहते हैं या आपका खुद का घर है इधर? रेंट पे रहते हैं। तो फैमिली वगैरह रहती है या फिर अकेले रहते हैं? अकेले रहते हैं। तो भैया महीने के आप कितने कमा लेते हैं फिर जोड़ जाड़ कर? 12,000-11,000-10,000 हैं, जैसा बन जाता है। तो भाई देख लो मतलब 10-11 हज़ार रुपये ये कमाते हैं। तो क्या मतलब फैमिली वगैरह को चले जाते हैं पैसे वगैरह? अभी तो जल्दी में आया हूँ। अच्छा, नए हो अभी? अच्छा अच्छा अच्छा, आप ये नौकरी कर रहे हैं साइकिल वगैरह से, ऐसी कुछ मजबूरी आपकी? मजबूरी है तभी तो कर रहे हैं। अच्छा, मजबूरी है तभी कर रहे हैं, तभी तो कर रहे हैं, वैसे शौक में कौन करता है। हाँ, ये भी बात ठीक है आपकी, फैमिली को चलाने के लिए थोड़ा करना पड़ता है। अच्छा, तो खाना वगैरह किस तरह से खाते हैं आप, मतलब जैसे आप पूरा दिन तो आपको एक काम करना पड़ता होगा? नहीं, बीच में 1-2 घंटे का रेस्ट ले लेता हूँ। ले लेते हो, रेस्ट वगैरह मिल जाता है?
अच्छा अच्छा अच्छा। तो भाई जैसा कि आप देख पा रहे हैं भाई, रेस्ट वगैरह मिल जाता है। और देखो इसको बोलते हैं देखो मेहनत, ये दिल्ली की स्ट्रगल मेहनत है। बंदा अयोध्या से इधर नौकरी करने के लिए आया और भाई साइकिल से नौकरी कर रहे हैं ये देखो भाई। और बेचारा देखो पानी वगैरह अपने साथ लेकर रखते हैं, ये देख सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं भाई, ऑटो वाले भी दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। देखिए बेचारे किस तरह से मतलब लाइन से लगाकर खड़े हुए हैं मेट्रो की वजह से, ठीक है। इधर जस्ट मेट्रो है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से सवारी आएंगी तो यहाँ से नंबर एक से ऑटो निकालेंगे ये लोग। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, देखिए यहीं पर नंबर से जब जाएंगे ये ऑटो, यहाँ से सवारी बैठेंगी जब इनका थोड़ा खर्चा चलता है। देखिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, देख सकते हैं लाइन से लगा रखा है, मतलब इस तरह से नहीं चल सकते कहीं से भी कोई भी सवारी को बिठा ला, ऐसा कोई रूल नहीं है इधर। ये देखिए सारा लाइन से और अच्छे से यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए कुछ इस तरह से यहाँ से लोग स्ट्रगल करते हैं और इस तरह से सवारी वगैरह बिठाते हैं। देखिए देखो यहाँ पर किस तरह से इन्होंने बेचारों ने दुकान लगा रखी है। और देखिए सामने बैठे हुए अंकल और जस्ट मेट्रो के साइड में बैठे हुए, ये देखिए। और यहाँ पर भाई सूट वगैरह लगा रखे हैं और अंकल जी रहने वाले हैं कश्मीर के, मैंने बात की है। क्या नाम है अंकल जी आपका? फयाज भाई। अच्छा अच्छा। तो भाई जैसे कि आप देख पा रहे हैं भाई, ये अंकल जी जो है ना कश्मीर के रहने वाले हैं और भाई यहाँ पर इस तरह से गुजारा करने। देखो ये देखिए अंकल जी, आपको कितने दिन हो गए यहाँ पर आए हुए? अच्छा अच्छा। तो आपका यही काम है? कई साल से आप दिल्ली के अंदर रहते हैं? अच्छा अच्छा। तो भाई जैसे कि आप देख पा रहे हैं भाई, कश्मीर के रहने वाले हैं और देखो स्ट्रगल मेहनत थोड़ा करना पड़ता है तो तभी यहीं पर इंसान आता है। काम धंधा छोटा हो या बड़ा हो करना पड़ता है। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर बैठे हुए हैं और देख सकते हैं आप काम वगैरह कर रहे हैं। तो क्या अंकल जी, मैं ये पूछना चाहूँगा, आप दिन भर में आपका कितना कमा लेते हैं आप? कमा लेते हजार दो हजार। अच्छा 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 अच्छा। तो भाई जैसे कि आप देख पा रहे हैं भाई, 1500 रुपये कमा लेते हैं। थोड़ी मेहनत है भाई, स्ट्रगल है। देखिए कश्मीर से बेचारे यहाँ पर आए हुए हैं दिल्ली के अंदर और यहाँ पर अपनी दुकान वगैरह लगा कर बैठे हैं। चलिए अभी थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं और भी आपको दिखाते हैं कि दिल्ली की स्ट्रगल मेहनत क्या होती है, किस तरह से लोग वगैरह रहते हैं। ये देखिए यहाँ पर ऑटो वगैरह वाले भैया खड़े हैं। हेलो, ये देखिए क्या नाम है भैया जी आपका? विशाल। विशाल। अच्छा विशाल। अच्छा विशाल भाई, मेरे को ये बताइए आप 24 घंटे ऑटो चलाते हैं किस तरह से? और 8 घंटे चलाते हैं। तो भाई जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं तो भाई बुराड़ी सुनने में। अच्छा अच्छा अच्छा। मुझे ये बताइए आप 8 घंटे में कितना पैसा कमा लेते होंगे? 1000 रुपए। अच्छा अच्छा। तो क्या आपकी फैमिली वगैरह सब इधर ही रहती है या अकेले रहते हैं? फैमिली वगैरह रहती है। तो भाई जैसे कि आप देख पा रहे हैं भाई, ऑटो वाले की भी रियल लाइफ ये होती है, 8 घंटे में 1800 रुपये आपके कम जाते हैं। तो क्या भैया आपकी फैमिली वगैरह चल जाती है? चलानी पड़ती है, मजबूरी। भाई देखो मजबूरी पेट क्या क्या करा देता है इंसान क्या, है ना, ये होती है मेहनत। अभी क्या मैंने अभी देखा यहाँ पर ऑटो लाइन से लगे हुए तो लाइन से यहाँ पर ऐसे ही चलते हैं या कहीं से भी कोई भी सवारी बिठा लेगा? नंबर से नंबर रहेगा ना भाई। देखो दिल्ली की थोड़ी ईमानदारी भी ये देख सकते हैं आप, मतलब कहीं से भी आप सवारी नहीं बिठा सकते, है ना, जिसका नंबर है वो ऐसे ही बिठाएगा। अच्छा अच्छा। ओके थैंक यू सो मच, काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलकर। दिल्ली के सभी मैं आ चुका हूँ मेट्रो के नीचे और भाई यहाँ से निकलते भी फटाफट से अपने घर की तरफ को। तो भाई जैसे कि मैंने आज के व्लॉग में आपको पूरा दिखाया, मतलब जिस तरह से भाई लोग किस तरह से अपना गुजारा करते हैं भाई, जैसे आइसक्रीम वाले से मैंने बात करी किस तरह मतलब रियल लाइफ होती है लोगों की, मतलब बिहार से आकर यहाँ पर रह रहे हैं, सड़कों पर किस तरह आइसक्रीम बेचते हैं, किस तरह अपना स्ट्रगल करते हैं भाई। जोमेटो वाले से बात करी, कार वाले से बात करी और ऑटो वाले से बात करी, मैंने आज के व्लॉग में सारे रियल लाइफ दिखाई कि लोग किस तरह रहते हैं, किस तरह स्ट्रगल करते हैं, किस तरह अपना गुजारा चलाते हैं। तो फाइनली गाइस ये व्लॉग आपको कैसा लगा, एक छोटी सी प्यारी सी कमेंट जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ओके लव यू, बाय।